क्या आप भी उन्हीं बच्चों में से हो जो बहुत साल से प्रिपरेशन कर रहे हैं, 2-3-4 साल हो चुके प्रिपरेशन करते हुए, और ऐसा नहीं है कि सिर्फ टाइम पास कर रहे हैं, मतलब अपनी पूरी जान लगा रखी है, पूरी डेडिकेशन से पढ़ाई कर रहे हैं, उसके बाद भी ना पेपर क्लियर नहीं हो रहा, और ये भी समझ नहीं आ रहा कि पेपर कहाँ, मतलब ऐसा क्या रीजन है कि भाई दूसरे बच्चों को जब हम देखते हैं कि भाई 1-2 साल में पेपर क्लियर होके निकल जाते हैं आराम से, उतनी पढ़ाई भी नहीं की होती। बहुत छोटी छोटी चीजें होती हैं जो एक एक आपको सक्सेसफुल होने से रोक रही होती है। हमें क्या लगता है कि भाई मैंने अपना बेस्ट दिया, लेकिन एक्चुअल में वो हमारा बेस्ट होता नहीं है, और आप खुद इस वीडियो के बाद देखते हुए खुद फील करेंगे कि कहाँ पे आप लैग कर रहे थे, क्या क्या कमियां आप कर रहे थे जो आपको नहीं करनी थी। बस वो छोटी छोटी चीजें अगर आपने अपनी डेली रूटीन में सुधार ली ना, ट्रस्ट मी आपको खुद रिजल्ट दिखेंगे, मतलब जो आप हमेशा से पाना चाहते थे वो चीजें आपके हाथ में होंगे और इसी ईयर एंड तक आपके हाथ में होगी। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली चीज जो मैक्सिमम मैंने देखा है, 60-70% एस्पिरेंट्स या स्टूडेंट्स जो भी पढ़ाई कर रहे थे गवर्नमेंट एग्जाम्स की, उनका गोल क्लियर नहीं होता। पता है अभी हमारे साथ क्या होता है, एंड पता है ह्यूमन नेचर है ये, मैं आपको गलत नहीं बोल रहा, क्या किसी इंसान को गलत नहीं बोल रहा, हमारा क्या होता है जब भी हम देखते ना, हमें आपने वो कहावत सुनी है कि दूसरी की थाली में घी ज्यादा लगता है, वही होता है। हम जब बैंक की प्रिपरेशन कर रहे होते तो हमें लगता है कि एकदम से हमें देखा कि एसएससी में बहुत सारी वैकेंसीज आ गई। अभी मैं यहाँ पे किसी एक साइड एक एग्जाम को या एक किसी उसको टारगेट नहीं कर रहा, जब हम एसएससी में जाते हैं ना तो हमें क्या लगता है यार बैंक में बहुत वैकेंसीज निकल रही है, ठीक है, जब एसएससी की प्रिपरेशन कर रहे होते तो लगता है यार इतनी पढ़ाई में तो हम आईएएस कर लेंगे, और ये छोटी छोटी चीजें होती है क्योंकि हमारा 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 गोल क्लियर ही नहीं, हमें पता ही नहीं हमें करना क्या है, ठीक है। तो हम इस स्विचिंग में ना 2-3 साल तो यहीं पे खराब कर देते हैं, और अगर खराब नहीं भी कर देना तो जब हम देखो जब तक आपका माइंड ना बिल्कुल क्लियर नहीं होगा कि आपको करना क्या है, तो आप उस चीज में अपना 100% नहीं दे सकते। ये चीज आप याद रखना, कभी भी नहीं दे पाओगे। अभी देखो सबसे पहला काम आपको पता क्या करना, अपना गोल सेट करना। आपका जो भी गोल है ना, पहले तो आप जिस जॉब के लिए प्रिपरेशन कर रहे हो ना उसकी डीप में जाओ, थोड़ा सा पता करो कि भाई वो टाइप ऑफ जॉब कैसी है। अगर आप एसएससी की प्रिपरेशन कर रहे हो तो भाई कौन सी जॉब, उसमें भी आपका टारगेट सेट होना चाहिए कि भाई मेरे को ये 3-4 जॉब्स है ये मेरी प्रेफरेंस में रहने वाली है और इन 3-4 में से ही मेरे को जॉब चाहिए। या फिर मान लो आपको क्लैरिकल लेवल की चाहिए तो आपके माइंड में बहुत क्लियर होना चाहिए कि भाई मेरे को ये जॉब चाहिए, नीचे वाली जॉब चाहिए, ऊपर वाली जॉब चाहिए, क्यों चाहिए वो आपको चीज पता होनी चाहिए कि भाई मेरे को क्लैरिकल इसलिए चाहिए क्योंकि क्लैरिकल में वर्क प्रेशर कम होता है, बर्डन कम होता है। मान लो मेरे को बैंक में जाना तो क्यों जाना है, मेरे को एसएससी में जाना तो क्यों जाना है, मेरे को यूपीएससी में जाना है। आपने एक चीज नोटिस की है, जब भी हम किसी यूपीएससी एस्पिरेंट से जिसने पेपर क्लियर किया है उससे बात करते हैं तो कभी भी उसका आप उसका माइंड देखोगे ना, माइंडसेट देखोगे ना, उसको हमेशा से क्लियर होता है कि उसको यूपीएससी ही चाहिए, उसको और कोई जॉब चाहिए ही नहीं। उनका माइंड बहुत क्लियर होता है। पहले अपना माइंडसेट कर लो कि आप जहाँ पे जाने वाले हो क्या आप वहाँ पे सर्वाइव कर सकते हो, अगर जाने भी वाले हो तो उसका रीजन क्या है, क्यों जाना चाहते हो, कि वहाँ पे भाई जल्दी जॉब मिल रही है या फिर वहाँ पे कंफर्टेबल जॉब है या फिर वहाँ पे पैसा ज्यादा है या फिर मुझे वही पर्टिकुलर जॉब या वही पर्टिकुलर टैग चाहिए। और जब भी आप कोई गोल बनाते हो ना, कोई एम बनाते हो अपनी लाइफ में ना, कभी भी ना अपना मजाक मत बनाओ। मैंने बहुत सारे बच्चे ऐसे देखे हैं जब उनके दोस्त बात कर रहे होते हैं, अच्छा अब तो इनकम टैक्स ऑफिसर बन जाएगा, मतलब प्रिपरेशन के टाइम की बात बता रहा हूँ, तो पता है वो हंस रहे होते हैं, वो अरे यार मेरे कहाँ बस की। कभी भी अपने बारे में नेगेटिव मत बोलो, अपनी मेहनत के बारे में, अपनी चीजों के बारे में। अगर आप पॉजिटिव नहीं भी बोल सकते ना तो कम से कम नेगेटिव नहीं बोलना। देखो ये नेगेटिव एक ये वाइब्स होते हैं ना, ये हमारी लाइफ में बहुत इंपैक्ट डालते हैं, हमें पता नहीं होता है, छोटी छोटी चीजें होती हैं। अब आ जाते हैं दूसरे पॉइंट पे कि भाई पढ़ना किस टाइम है। आधे बच्चे तो इसी चीज में कंफ्यूज है, पढ़ना किस टाइम है। एंड एक आपको मैक्सिमम लोगों की रूटीन बताता हूँ, एक क्या चीजें होती हैं। कुछ बच्चे रात को पढ़ना चाहते हैं, ठीक है, बट क्योंकि हम बहुत सारी रिसर्च देखते हैं, बहुत सारी हमें वीडियो देखने को मिलती है कि हमें सुबह 4 बजे उठ के पढ़ना चाहिए, हमारी एफिशिएंसी डबल हो जाती है, ट्रिपल हो जाती है, सुबह 5 बजे उठ के पढ़ना चाहिए, भाई सब बकवास बातें हैं। एक्चुअल में होता क्या है ना, रियलिटी पे ग्राउंड लेवल पे क्या होता है, मैं आपको एक चीज बताता हूँ। हम सोचते हैं कि सुबह 4 बजे उठ के पढ़ेंगे, 10 बजे बेड में लेट जाते हैं, नींद हमें आती नहीं क्योंकि रात को जल्दी सोने की हैबिट नहीं है, 4-5 घंटे से सोने की कोशिश करते हैं, उसके बीच में 2 घंटे हम फोन चला लेते हैं, 2 घंटे हम इधर उधर की ओवर थिंकिंग कर लेते हैं, और नींद आती वही 3 बजे। अब उठना है सुबह 4 बजे तो रो धो के 6 बजे उठ जाते हैं, फिर पूरा दिन नींद में रहते हैं, पढ़ाई तो हो नहीं पाती क्योंकि 3 ही घंटे सोए ना आप, 3 घंटे सो के कोई कैसे एफिशिएंटली पढ़ाई कर सकता है। फिर पूरा दिन हम गिल्ट में बिताते हैं कि यार पढ़ाई नहीं हो रही, दिमाग नहीं चल रहा। एक चीज बताता हूँ, अपनी बायोलॉजिकल क्लॉक को समझो। हर एक इंसान का अलग अलग रूटीन होता है भाई, कोई किसी का माइंड रात को ज्यादा एक्टिव होता है, किसी का अर्ली मॉर्निंग ज्यादा एक्टिव होता है, तो
कभी भी गिल्ट में मत रहो कि आप सुबह नहीं उठ सकते जल्दी, ठीक है आप पढ़ नहीं पा रहे सुबह उठ के, कोई बात नहीं भाई आप रात को पढ़ो, पूरी रात पढ़ो। मैंने बहुत सारे ऐसे बच्चे देखे, मेरा फ्रेंड है प्रशांत, वो अभी IRS में है, ठीक है UPSC उसने क्रैक किया, वो रात को 8 बजे लाइब्रेरी आता था, सुबह 8 बजे तक कंटिन्यूसली पढ़ता था, बीच में मतलब ब्रेक्स लेके पढ़ता था, ठीक है पूरी रात पढ़ता था और दिन में आराम से जाके सोता था, फिर 3 से 4 बजे उठता था, फिर दोबारा से थोड़ा बहुत पढ़ता था, फिर रात को लाइब्रेरी आता था, उसका UPSC निकाल लिया। तो कभी भी ना ये देखो, हो सकता है लॉन्ग रन में थोड़ा सा हमारी हेल्थ पे इफेक्ट डाले, लेकिन हमें इतना लॉन्ग रन सोचना ही नहीं है। जॉब लगने के बाद तो आपका ऑटोमेटिकली रूटीन सेट हो जाएगा, फिर जब जॉब पे आओगे ना थक हार के ऑटोमेटिकली जल्दी नींद आ जाएगी, ठीक। तो अभी हमें सोचना है 6 महीने 1 साल की बात सोचनी है, तो अभी सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, जॉब, ठीक है। तो जो भी आपका रूटीन है, जिस टाइम पे आपको लग रहा है ना कि भाई ये मेरा मेन है, मतलब मैं रात को बहुत एफिशिएंटली पढ़ाई करता हूँ, तो कोई गिल्ट नहीं बनाना किसी चीज का भाई, रात को पढ़ाई कर सकते तो रात को पढ़ो, किसी की कुछ मत सुनो, ठीक है रात को पढ़ाई करनी रात को पढ़ो, सुबह पढ़ाई करनी आपसे सुबह जल्दी उठ सकते हो तो सुबह पढ़ाई करो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब आ जाते तीसरी बात पे, भाई जब भी आप पढ़ाई करने बैठो ना तो कंटिन्यूसली आपको पढ़ाई करनी है, मतलब वो ब्रेक्स ले लेके पढ़ाई नहीं करनी। अभी जैसे स्कूल में हमें बताते थे कि भाई आधे घंटे पढ़ाई करो फिर आधे घंटा ब्रेक ले लो, नहीं 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 ये सब गलती नहीं करनी, क्योंकि और ये पता है रीजन क्या है, हो सकता है ये साइंटिफिकली ये चीजें प्रूवन हो कि ऐसे आपकी एफिशिएंटली पढ़ाई होती है, लेकिन आपको एक ग्राउंड लेवल का सच बताता हूँ, हमारे साथ क्या होता है, हम एक रूटीन बनाते हैं कि भाई मेरे को 50 मिनट पढ़ना है फिर मैं 10 मिनट ब्रेक लूंगा, वो 10 मिनट का ब्रेक 50 मिनट हम पढ़ाई तो करते हैं फिर 10 मिनट का हम ब्रेक लेते तो हैं, लेकिन वो 10 मिनट का ब्रेक कब 2-3 घंटे में निकल जाता है ना, हमें पता ही नहीं लगता। तो आप जो अपनी पढ़ाई की जो सिटिंग है ना वो थोड़ी सी लंबी करो। अब उसका रीजन एक और है, आप जब मेंस का पेपर दे रहे होते हो तो कोई भी मेंस का पेपर 2 घंटे से कम का नहीं होता, हर मेंस का पेपर 2.5 घंटे 3 घंटे 3.5 घंटे तक खींचता है, ठीक है अगर PO लेवल की बात करें तो 3-3.5 घंटे तक भी जाता है। तो भाई इस लेवल की आपकी सेटिंग होनी चाहिए कि कंटिन्यूसली आपका दिमाग 2-2.5 घंटे 3 घंटे चल पा रहा है नहीं चल पा रहा है, तो अपनी 2-2 घंटे की कम से कम सेटिंग बनाओ, क्योंकि एक बार ब्रेक होने के बाद आपको चीज पता है ना कि वो कब आप वापस आते हो। हमें क्या लगता है यार 2 घंटे पढ़ाई कर ली अभी आधा घंटा मैं ना फोन देख लेता हूँ, फोन को तो ना सबसे पहले जब आप पढ़ाई कर रहे हो जो भी आप फिर अपना एक रूटीन बना रहे हो, सब रूटीन बना के बैठे सब टाइम टेबल बनाते हैं, मेरे को 6 घंटे पढ़ना 8 घंटे पढ़ना 10 घंटे पढ़ना 12 घंटे पढ़ना, लेकिन वो एग्जीक्यूट कितने इंप्लीमेंट कितने लोग कर पाते हैं उसको, मुश्किल से 1% 2%। तो आप सबसे पहले कसम खा लो कि भाई मैंने 10 घंटे रूटीन बनाया था, कम से कम 6 से 7 घंटे से पहले मैं फोन नहीं उठाऊंगा। अब आपके पास एक और रीजन होगा, मुझे पता है आप बोलोगे यार मेरे तो फोन में क्लासेस होती हैं मैं बिना फोन के कैसे, तो ठीक है आपकी क्लासेस होते हैं, सबसे पहले सोशल मीडिया ऐप्स है ना सारी डिलीट कर दो, YouTube की हिस्ट्री सारी डिलीट कर दो, ठीक है और YouTube पे आपको देखना है तो सिर्फ पढ़ाई से रिलेटेड कंटेंट देखना है और कुछ देखना ही नहीं है, चाहे ये मोटिवेशनल वीडियोस ऐसी वीडियोस कभी चलाओ ही मत, ठीक है सिर्फ आपको पढ़ाई की वीडियोस देखनी है, अपनी क्लासेस से रिलेटेड वीडियोस देखनी, क्योंकि आपको एक चीज का पता है ना YouTube वही चीज हमारे सामने लेकर आता है जिस टाइप की वीडियोस हम देखते हैं। अच्छा एक सबसे बड़ी चीज जो मैंने देखी है ना हम एस्पिरेंट्स के बीच में, हमारे लिए ना जिस चीज के हम प्रिपरेशन कर रहे होते हैं ना वो हमें ना एक पहाड़ नजर आता है, इम्पॉसिबल टास्क नजर आता है, मतलब मैं उन बच्चों की बात बता रहा हूँ जो अच्छे खासे इंटेलिजेंट है, मतलब मुझे देख के ऐसा लगता है कि यार इसका तो पक्का सिलेक्शन हो जाएगा, वो जब उनसे बात करते हैं वो इतने अंडर कॉन्फिडेंट रहते हैं ना, उनको ऐसा कि यार मेरे से तो हो ही नहीं पाएगा भैया, मेरे से कहाँ RBI क्लियर होगा भैया, मेरे से कहाँ SBI क्लियर होगा, क्यों नहीं होगा। अब क्या लगता है जो ये बच्चे एग्जाम क्रैक करके बैठे हैं ये बहुत बड़े जीनियस है, नहीं इन्होंने सिर्फ ढंग से पढ़ाई करी, वो भी कुछ टाइम पढ़ाई करी 1-2 साल और आराम से, अगर आप जो चीजें बता रहे हो ना ये अगर आप इंप्लीमेंट करोगे ना आपको अपने पता लग जाएगा कि यहाँ पे जो लोग पहुंचे हैं ना कोई जीनियस नहीं है, नॉर्मल से बच्चे हैं, नॉर्मल सी पढ़ाई करी हुई है, कोई बहुत 50-50 घंटे पढ़ाई नहीं करी इन्होंने, नॉर्मल 5-7-8 घंटे पढ़ते थे, ठीक है 1 साल में इनका सिलेक्शन हो गया। तो अपने मन में ना इसका एक ये डर है ना, इसका ये जो पहाड़ बना रखा है ना, डर का पहाड़ बना रखा है कि मेरे से क्लियर नहीं होगा, मैं इस काबिल नहीं हूँ, मेरे से कैसे क्लियर हो सकता है, बहुत दुनिया बहुत इंटेलिजेंट बैठी हुई है, मैं तो कुछ भी नहीं उनके सामने, सब नॉर्मल लोग हैं, बहुत इंटेलिजेंट लोग तो ऑलरेडी पता नहीं कहाँ का कंपनीज में सेट हो चुके हैं, बहुत इंटेलिजेंट लोग नहीं आते ये नॉर्मल से एग्जाम क्रैक करने के लिए, ये प्रैक्टिकल ये सच बता रहा हूँ मैं आपको, हो सकता है आपको हंसी आ रही है, आपको लग रहा है बकवास कर, ये जो एग्जाम्स के आप प्रिपरेशन कर रहे हो ना ये इतने डिफिकल्ट है, और इसमें जो बच्चे बैठे ना वो बिल्कुल एवरेज स्टूडेंट्स हैं। देखो अभी आप मैक्सिमम आप बिगनर्स हो गए, ठीक है अब आप क्लासेस लेते हो किसी ना किसी टीचर्स की, मैं क्लासेस लेने के लिए मना नहीं कर रहा, ठीक है आप जिसकी भी क्लासेस ले रहे हो आप सिर्फ एक बात ध्यान रखना, जितने भी घंटे आप क्लासेस लेते हो मान लो आप दिन में 2 घंटे क्लास ले रहे हो तो आपको 3 टाइम्स पढ़ना है, मतलब खुद से पढ़ाई करनी, जो आपने वहां पे पढ़ाई करना है वो खुद से पढ़ाई करनी है, 2 घंटे अगर आपने क्लास ली तो आपको 6 घंटे ना सेल्फ स्टडी करनी है, 1:3 का रेशियो आपको रखना है,
ये बात आप याद रखना, क्योंकि वही है जो एक्चुअल में सिलेक्शन दिलाता है। बहुत सारे बच्चे एक चीज पता है गलती क्या करते हैं, सिर्फ क्लासेस लेते रह जाते हैं और एंड में हमारे दिमाग में एक ऐसी खिचड़ी सी बन जाती है, हमें पता ही लगता है कि हमने क्या पढ़ा था क्या नहीं पढ़ा था, हम बैक टू जीरो आ जाते हैं। ये गलती आपको नहीं करनी, प्रॉपर नोट्स बनाओ जिसकी भी आप क्लासेस लेते हो, जो भी आप पढ़ रहे हो ना, और आपने अभी स्टार्ट किया तो आपके लिए बहुत बेस्ट टाइम है ये, आपके लिए 5 से 7 महीने अभी, ठीक है, तो बहुत बेस्ट है, 5 से 7 महीने सफिशियंट होते हैं, ठीक है। तो आप प्रॉपर नोट्स बनाओ, सेल्फ स्टडी फोकस करो, मतलब क्लासेस को मैं सेल्फ स्टडी में काउंट ही नहीं कर रहा, ठीक है। क्लासेस जो भी आप क्लासेस लेते हो उसको साइड कर दो, जो भी आप यूट्यूब पे देखते हो, सेल्फ स्टडी का मतलब जो भी आपने नोट्स बनाए हैं, ठीक है, नोट्स बनाने को काउंट नहीं कर रहा, नोट्स रिवाइज कर रहे हो, ठीक है। जो भी आपने नोट्स बनाए, जिसकी भी क्लासेस से नोट्स बनाए उसको आप अच्छे से रिवाइज करो, जो भी आपने पढ़ा उसके प्रैक्टिस सेट्स अच्छे से लगाओ, ठीक है, उसके क्वेश्चन अच्छे से लगाओ। दुनिया भर का कंटेंट है, फ्री कंटेंट है, आपके यूट्यूब पे, आपके यूट्यूब पे है, आपके गूगल पे है। फॉर एग्जांपल आपने सिलोक्स कहीं से पढ़े हैं, या फॉर एग्जांपल आपने इनइक्वालिटी पढ़ी है, तो उसका आपने 2 घंटे क्लास ली है, तो अभी 6 घंटे बैठ के उसको पूरा खत्म कर दो, मतलब ऐसा कर दो ना कि 5-7 दिन में ना आपको ना बाई हार्ट याद हो जाए। और बेसिक से करो, कभी भी डायरेक्ट एडवांस लेवल पे मत जंप करो, इतने एडवांस लेवल का कोई फायदा नहीं है। आप जब तक बेसिक्स क्लियर नहीं होंगे ना, तब तक वो चीजें ना, ये छोटी छोटी कमियां है ना, ये अटकी रह जाएंगी, उनकी वजह से ना आपका सिलेक्शन भी अटका रह जाएगा। और ज्यादा थे एक बात और बोलना चाहता हूँ, हम में से मैक्सिमम बच्चे ऐसे हैं जो ना क्वांटिटी फोकस करते हैं कि मेरे को 10 घंटे पढ़ना है, मेरे को 12 घंटे पढ़ना है। क्वांटिटी पे फोकस मत करो, क्वालिटी फोकस करो। अगर 6 घंटे भी आप पढ़ाई करो ना तो मोर देन सफिशियंट, लेकिन वो 6 घंटे ना दिल से पढ़ाई करना। वो ऐसा नहीं कि 6 घंटे आप बैठ के पढ़ तो रहे हो, लेकिन 6 घंटे में से 4 घंटे आप ओवर थिंकिंग कर रहे हो, 2 घंटे आप अपनी गर्लफ्रेंड के बारे में सोच रहे हो, ठीक है। इधर 6 घंटे पढ़ रहे हो ना तो सिर्फ आप पढ़ाई करो, और इधर की बातें कोई सोचने की आपको जरूरत नहीं है, ठीक है। उसके बाद आपके पास बहुत टाइम होता है, बहुत लंबा दिन होता है, 24 घंटे बहुत होते हैं। आप 6 से 7 घंटे अपनी पढ़ाई को दो, उसके बाद आपको जो करना है करो, लेकिन सबसे पहले जैसे आप उठते हो या जो भी आपका रूटीन रहता है, 6 घंटे डेडिकेटेड पढ़ाई करने के बाद उसके बाद ही आपको कोई दूसरा काम करना है। तो आई गेस ये एक बार ये चीज़ अपनी लाइफ में इंप्लीमेंट करना, आई प्रॉमिस यू आपको पक्का रिजल्ट दिखाई देंगे और बहुत बेहतरीन रिजल्ट दिखाई देंगे, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।